दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ देने का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई थी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की, और उस पर हम जानते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार केंद्र का जो अध्यादेश है अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उसके मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ देने से इनकार कर रहे हैं। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब बैठक हुई है तो दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ न दिखने की सलाह कांग्रेस अध्यक्ष को दी है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो हम जानते हैं कि विपक्षी एकता की कोशिशें भी एक तरफ चल रही हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन यहाँ अध्यादेश का जो मुद्दा है अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है, उस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो आम आदमी की पार्टी के साथ दिखना नहीं चाहती। और यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने यही कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ ना दिखे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, ये काफी बड़ा मामला है क्योंकि इस पर हम असमंजस की स्थिति देख रहे थे। हमने पहले भी देखा था कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर कहीं पहले साथ दिखते हुए नजर आए, आनंद शर्मा का बयान अलग आया, फिर केसी वेणुगोपाल जो है वो सफाई देते हुए नजर आए, उसके बाद अजय माकन सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा कि आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देना है, और अब यहाँ पर इसी बात पर एक तरह से एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। जी देखिए, दिल्ली और पंजाब दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ज़मीन छीनी है, और यही वजह है कि इन दो राज्यों से ज़्यादा विरोध हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह के गठबंधन में जाने का, या अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार लेकर आई है उन बातों पर जिसमें कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दिया गया था उसके खिलाफ। तो आज जो मीटिंग हुई है, जो पहले दिल्ली की मीटिंग खत्म हुई, अभी पंजाब की भी मीटिंग खत्म हो गई है, पंजाब कांग्रेस इकाई के साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग थी जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे वो मीटिंग भी खत्म हो गई है, और कमोबेश दोनों ही राज्य इकाइयों की एक ही जो राय है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, और वो इसलिए नहीं होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया कि दो ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की ज़मीन छीनकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है। दूसरी अहम बात है कि अगर अध्यादेश पर साथ देने की बात ना हो तो फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ी नजर आएगी, इसलिए मीटिंग में जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि बेशक समर्थन दिया जाए लेकिन साथ खड़े ना दिखा जाए, यानी कि चुपचाप तरीके से या खामोश तरीके से जब सदन में ये बात आए तो समर्थन कर दिया जाए, अध्यादेश के खिलाफ जाया जाए और आम आदमी पार्टी के समर्थन में बेशक खड़े नजर आया जाए लेकिन घोषित तौर पे ऐसा कोई ऐलानिया जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है। तीसरी अहम बात जहाँ तक मुलाकात की है तो उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मुलाकात जहाँ तक अलग अलग पार्टी के नेताओं की है, केजरीवाल की मुलाकात खड़गे के साथ हो, राहुल गांधी के साथ हो, सोनिया गांधी के साथ हो, तो इन मुलाकातों को लेकर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो जो एक विपक्षी एकता की बात की जा रही है और जो दिल्ली और पंजाब कांग्रेस इकाई की जो राय है वो दोनों में काफ़ी विरोधाभास है, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी दो अहम राज्यों में सरकार है, एक अहम पार्टी के तौर पर वो देखी जाती है, और अगर उसको साथ ना लिया जाए तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात जो है वो संभव नजर नहीं आती। तो अभी दो राय से बीच कांग्रेस कैसे रास्ता निकालती है ये देखने की बात होगी। अदिति, बिल्कुल उमा, क्योंकि जिस तरह से आप भी रुख कर ये बात कह रहे हैं कि जब आप विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं वहां पर तमाम पार्टियां साथ में आ रही हैं, और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब तमाम पार्टियों के नेताओं से मिलने जा रहे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन मिला है कि अध्यादेश जो है वो गलत है केंद्र का और उनके साथ ये पार्टियां आने को तैयार नजर आ रही है, कम से कम आश्वासन तो उन्होंने दिया है। ऐसे में इन पार्टियों से अलग अगर कांग्रेस पार्टी जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो विरोधाभास की हम बात कर रहे हैं वो साफ नज़र आता है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस के प्रदेश इकाइयों को लगता है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, कि आम आदमी पार्टी ने उसकी कीमत पर अपना जो बढ़ाव है वो किया है, और इसलिए मीटिंग में ये बात तक कही गई कि केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया, ये कहते हुए स्वागत किया कि ये मामला सिर्फ दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि जो प्रदेश की के जो हक हैं, प्रदेश सरकारों के जो हक हैं, जो गैर बीजेपी जहाँ पर सरकारें हैं उनकी
के हक को लेकर भी ये अहम है इस तरह का फैसला। लेकिन जो अजय माकन जैसे नेता जो कि दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने घोषित तौर पे ये कहा है कि आखिरकार क्यों जो अध्यादेश है उस पर साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी एक अलग स्थिति है, और जब पुरानी सरकारों ने इस तरह के अधिकार के बिना ही अपना कार्यकाल पूरा किया और अच्छे तरीके से काम किया, तो आखिरकार केजरीवाल को ये अधिकार क्यों चाहिए। तो ये एक बड़ा एक आपस में खींचतान है कांग्रेस के भीतर। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद जो राय ली गई है, देखना है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय कमान है, क्योंकि इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो देखना है कि अब कांग्रेस इस पूरे तौर पे क्या एक फैसला लेती है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाती है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस जो है विपक्षी एकता को लेकर गंभीर नहीं है, और अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर ये दो प्रदेश इकाइयां जो हैं उनमें असहजता पैदा होगी जो पहले से पैदा हुई है। तो एक बीच का रास्ता निकालना कांग्रेस हाईकमान के लिए एक मुश्किल, एक चुनौती भरा काम है।